शादी का झांसा देकर नाबालिग का दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को दर्री पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नाबालिग का पिछले 9 सालों से दैहिक शोषण कर रहा था। आरोपी नाबालिग को घुमाने के नाम पर विशाखापट्टनम ले गया था, जहां बलपूर्वक उसकी मांग भरकर जबरन उसे अपनी पत्नी बनाया, फिर 3 दिन तक उसका दैहिक शोषण किया। इसके बाद दोनों कोरबा आ गए। इस बीच नाबालिग ने शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी प्रमोद गुप्ता भाग गया। शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रमोद गुप्ता के विरुद्ध एक पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी मार्च के महीने 27 तारीख को कि उसके साथ शादी का झांसा देकर के लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, और जब पहली बार संबंध बनाए गए थे लड़की नाबालिग थी, जिसमें प्रकरण में पास्को अधिनियम की धाराओं का अपराध दर्ज किया गया था। आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार हो गया था और उसकी पता तलाश जारी थी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अलग अलग जगहों पर उसकी पता तलाश की गई। बाद में आरोपी के एक सूत्र के माध्यम से पता चला कि आरोपी झारखंड में रांची में कहीं छुप करके रह रहा है। तो इस पर एक टीम तत्काल रवाना की गई थी और आरोपी को मिलने पर वहाँ से पकड़ कर लाए हैं, जिसे रिमांड पर भेजने की कार्रवाई की जा रही है।